यदि आप भी अपने होटल को मोस्ट पॉपुलर OTA वेबसाइट यानी जो ऑनलाइन ट्रेवलर एजेंट होते हैं वो वेबसाइट में से पॉपुलर वेबसाइट आपके मेक माई ट्रिप और गोइबोबो जैसे वेबसाइट पे रजिस्टर करना है या आपके होटल को लिस्ट करना है तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि यदि आपकी होटल की बुकिंग को बढ़ानी है तो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको आना होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी विजिट करता है वहाँ पे जाता है तो उससे पहले वहाँ के होटल ठहरने की व्यवस्था जरूर करता है और उसके लिए आज के डेट में ये ऑनलाइन सिस्टम लोगों के लिए आसान होता है। और यदि आपकी होटल ऑनलाइन नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ गेस्ट कम आएंगे, आपकी होटल की बुकिंग कम होगी। इसलिए आपको इन चीजों को भी ध्यान में रखना जरूरी है और आपके होटल की जो रजिस्ट्रेशन है यानी जो लिस्टिंग है इन वेबसाइट पर होना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ गुड्डू कुमार। मैं अपने YouTube चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। खासतौर पे आपके बिजनेसेस को डिजिटली कैसे ग्रो कराए उससे रिलेटेड हमारे वीडियो होते हैं। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि आप भी बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं और बिजनेस को डिजिटली ग्रो कराना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो आज की जो ये डेडिकेटेड वीडियो है वो है आपका इनगो MTT, एक थर्ड पार्टी कह सकते हैं यानी मेक माई ट्रिप और गोइबिबो, ये दोनों के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म होता है जहां आपको अपने होटल को लिस्ट करना होता है और उसी प्लेटफॉर्म से आपके दोनों वेबसाइट पे आपके होटल लिस्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही आराम का मामला हो गया कि आप एक जगह रजिस्ट्रेशन करेंगे दो जगह आपकी होटल लिस्ट हो जाएगी। इसके जो डैशबोर्ड है उसमें आप आराम से दोनों को देख सकते हैं कि मेक माई ट्रिप से कितनी बुकिंग आ रही है, कितनी वहां से ट्रैफिक आ रही है, आपके लोगों को द्वारा देखा जा रहा है आपके होटल को या गोइबिबो द्वारा कितना देखा जा रहा है, स्पष्ट दिखेगा। एक चीज और मैं बता दूं कि पहले जो इस प्लेटफॉर्म का नाम इनगो MMT था अब सिंपल कनेक्ट नाम रख दिया गया है। यानी इस कनेक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग कैसे प्रैक्टिकली, यदि आप थोड़ी बहुत डिजिटल नॉलेज रखते हैं या आप वो हैं जो अदर आपके क्लाइंट के होटल को रजिस्टर करना चाहते हैं एज ए आप डिजिटल मार्केटर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम थ्रूली स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे एज ए हम अपने एक क्लाइंट के होटल को बुक करके दिखाएंगे भी। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा आप यदि सक्सेसफुली अपने होटल को रजिस्टर करना चाहते हैं खासतौर पे मेक माई ट्रिप एंड गोइबिबो जैसे पॉपुलर OTA वेबसाइट पे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन पे और इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या करने की जरूरत है। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाए तो दो तीन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहला चीज कि आप जिस होटल के लिए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने, लिस्टिंग बनाने, उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर आपके पास पहले से लिखा हुआ रहना चाहिए। चौथी इम्पोर्टेंट चीज कि आपके पास से जितने भी होटल में रूम्स हैं उनका नाम, उनका डिस्क्रिप्शन भी आप पहले से लिख रखेंगे। इसके अलावा जो भी होटल है उसके एक्सटीरियर यानी बाहर का फोटोग्राफ, इंटीरियर आपके एक तरह से रिसेप्शन का फोटोग्राफ और पूरी रूम का फोटोग्राफ आप अलग अलग एंगल से क्वालिटी फोटो जरूर लेकर के रख लेंगे ताकि प्रोसेस के समय फिर से आपको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़े, आप इजीली नेक्स्ट आप स्टेप पे बढ़ते जाएंगे। ये चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे अपने प्रोसेस में। तो हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना होगा रजिस्टर ऑन मेक माई ट्रिप। आप ये सिंपल सर्च करेंगे तो आप चले आएंगे यहाँ पे जो कि एक स्पॉन्सर्ड है mybeach.makemytrip.com। लेकिन ये जो मेक माई ट्रिप के जो रजिस्टर करना होता है होटल्स को
उसके लिए जस्ट नीचे वाला लिंक पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लिख रहा है डेली 2.5 मिलियन यूजर्स सर्चेज फॉर होटल एंड होम स्टेज ऑन मेक माई ट्रिप। तो होम स्टे के लिए इस पर लगभग 2.5 मिलियन लोग डेली सर्च कर रहे हैं, यानी कि इसकी एक यूजर बेस कह सकते हैं कि बहुत ही लार्ज है, और जिसका फ़ायदा आपको भी मिल सकता है यदि आप अपने होटल को लिस्ट करते हैं। तो सिंपल हमको यहाँ लिस्ट योर होटल पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम चले आएंगे in.goevivo.com। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसी जगह से ये पार्टनर है मेक माई ट्रिप ग्रुप का, जिसमें कि आपका GoEvivo और मेक माई ट्रिप दोनों के लिए रजिस्टर किया जा सकता है। और इसके लिए GoMMT जो एक तरह से इसका एक पार्टनर हो गया, जो ये आपका मेंबर यानी कि होटल को ज्वाइन कराने का जिम्मेवारी लेता है, ठीक है। तो इन GoMMT पे हमको करना होगा साइनअप, चूँकि यहाँ पे मेरा कोई पासवर्ड पहले से है नहीं। तो आप यहाँ साइनअप फॉर फ्री पे जा सकते हैं या साइनअप पे क्लिक कर भी सकते हैं। तो सिंपल आप इस जगह पे आ जाएंगे, आप चाहे तो यहाँ से भी आप साइनअप करेंगे तो सेम चीज़ आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट योर नेम, और उसके बाद पूछ रहा है ये ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे आपको पासवर्ड एक तरह से कंफर्म करने की ज़रूरत होती है 8 कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर के साथ। तो इसको हम जल्दी से इनपुट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे नाम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इनपुट कर लिए हैं। इसके बाद सिंपल आपको क्लिक करना होगा क्रिएट अकाउंट बटन पे। तो यहाँ पे हम चूँकि ये क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, इसको जस्ट हमने सेव कर लिया, और एक आर ऑलमोस्ट देयर चेक योर इनबॉक्स वी सेंट ए कन्फर्मेशन लिंक टू हमारे ईमेल आईडी पर भेज दिया है। तो चलिए हम लोग ये भी कह रहा है कि आप चेक योर स्पैम फोल्डर को भी चेक कर सकते हैं। तो सिंपल हम अपनी जीमेल को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ GoEvivo के तरफ से आया है ये हमारा ईमेल, और यहाँ पे हमें इस लिंक पर क्लिक करके एक तरह से एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। योर अकाउंट इज कन्फर्म सक्सेसफुली। अब यहाँ पे चूँकि हम ऑलरेडी अपना पासवर्ड ये चेंज कर दिए थे, सेव कर दिए थे, तो ऑटोमेटिक आ गया। आप यदि सेव नहीं करेंगे तो सिंपल आपको यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड इनपुट करना है, देन साइन इन बटन पर क्लिक करना है। अब जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ होटल है और दूसरा ऑप्शन मिलता है होम स्टेज एंड विलाज। तो मेरे केस में होटल है, तो हमने होटल यहाँ से सिलेक्टेड है ही, और सिंपल यहाँ भी हम होटल को सेलेक्ट कर लिए। बाकी ये रिजॉर्ट, लॉज, गेस्ट हाउस, प्लेस, हाउस बोट, मोटल, तो इनमें से जो आपका हो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने होटल को सिलेक्ट किया और लिस्ट प्रॉपर्टी पर हम क्लिक किए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम यानी कि आपके होटल का नाम यहाँ देना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम होटल का नाम देते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंपल पहले से एक नोट पैड में लिख करके डिटेल रख सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप तुरंत हो जाएगा। होटल का स्टार हमने यहाँ से जस्ट चुनाव कर लेते हैं। ये कब बना था, तो ये इसी साल बना है, तो हमने जस्ट 2024 कर लिया। डू यू वर्क विथ चैनल मैनेजर। अब चैनल मैनेजर क्या होता है, ए चैनल मैनेजर हेल्प्स यू अपडेट योर इन्वेंट्री अक्रॉस डिफरेंट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म। इफ यू यूज वन प्लीज सेलेक्ट इट फ्रॉम द लिस्ट, दिस इज हेल्प अस पुल योर इन्वेंट्री। यदि आप इस तरह का कोई यूज करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे नाम है, ये सारे चैनल मैनेजर हैं जो आपको अलग अलग एक तरह से जो बुकिंग के लिए आपकी अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो इसके साथ जुड़े हैं। तो यस करके आप अपने चैनल मैनेजर को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो को ही रहने देंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे, और यहाँ आपको डालना होगा मोबाइल नंबर। तो हम भी अपना यहाँ से जस्ट मोबाइल नंबर को कॉपी किए और यहाँ पर मोबाइल नंबर को पेस्ट कर देते हैं। सिंपल यहाँ हमको ईमेल आईडी भी डालने की ज़रूरत है, तो हम अपने यहाँ से ईमेल आईडी भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ईमेल आईडी पेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने मोबाइल नंबर यानी कॉन्टैक्ट डिटेल और बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल किया। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे।
ध्यान देंगे यहाँ पे कुल 7 टैब्स है और इस 7 टैब को आपको बारी बारी से फिल करना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि लोकेशन सर्च कीजिए, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं द आरा प्राइड होटल। मैं आपको बता दूँ कि यदि आपकी होटल पहले से ऑलरेडी एक तरह से कह सकते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल उसका बना होगा, गूगल पे प्रेजेंट होगा, तो ये काम आपका आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ सर्च कर लिया है। अब यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, हाउस और बिल्डिंग का नाम कह रहा है, तो हाउस और बिल्डिंग का नाम तो सिंपल यही रहेगा, यानी कि द आरा प्राइड होटल, और यहाँ नवादा आ ही गया। इसके बाद यहाँ पे 80301 हमने ले लिया, पिन कोड इंडिया बिहार आरा गया, और इसके बाद आपको इसको चेक कर देना होगा, आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, यानी कि सिंपल है। यहाँ पे आप अपने जो भी लोकेशन है उसको आपने यहाँ से जस्ट सर्च फाइंड आउट कर लिया, या आप करेंट लोकेशन अपने होटल में बैठ करके कर रहे हैं तो यूज माई करेंट और लोकेशन को भी कर सकते हैं, बशर्ते आप ब्राउजर को अलाउ करेंगे कि वो आपके करेंट लोकेशन को रीड कर सकता है, तो इसका भी उपयोग करेंगे, या आपका गूगल पे है तो सिंपल यहाँ से करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके डिटेल आ जाएंगे, उसके बाद सिंपल आपको टिक करके सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे आप यहाँ डालेंगे तो ये भी चीज़ आप नोटिस कर लेंगे कि आपका सही जगह पिन हो रहा है, तो मेरे केस में ये सही है, वो सही जगह आ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो गूगल से लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पे हम करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे बता रहा है इनवैलिड एड्रेस, तो यानी कि ये जो नवादा कह रहा है ये जबकि है सही एड्रेस, ये जो हमने हाउस एंड बिल्डिंग अपार्टमेंट लिख रहा है इसको हटाते हैं, यानी कि यहाँ से जो हमारी स्टेशन रोड है नाम को यहाँ पे नहीं रखते हैं, और उसके जगह पे हम यूज़ करते हैं सिंपल स्टेशन रोड, और यहाँ पे लिखते हैं राजेंद्र नगर आर। अब चलिए, हमें लग रहा है कि नाम डाल रहे थे तो दिक्कत हो रहा था क्या, अब जस्ट यहाँ से पता चल जाएगा, तो सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक किए और सिंपल ये हमारा नेक्स्ट बटन में आ गया, यानी अगला जो टैब है वो है एमिनिटीज का। अब ये अमेनिटीज आप यदि हमारे पहले वाला वीडियो देखे होंगे जो गूगल में भी हम लोग सेट करते हैं ताकि गूगल पे भी अमेनिटीज शो हो, जो कि होटल डिटेल्स टैब के अंदर आता है, तो वहाँ पे भी हम सारी चीज़ें पर बात किए थे, सेम यहाँ भी यस नो करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ भी फास्ट तरीके से कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो हमारा एक तरह से मैंडेटरी था इसको हमने चेकआउट कर लिया, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब ध्यान देंगे कि हमने यहाँ पे सिर्फ, अब हालांकि हम चले आए 4 टैब पे, बट अभी इसमें ही आप देखेंगे कि मैंडेटरी को मैंने किया है, आप यहाँ से बेसिक को भी ज़रूर कर लेंगे, तो एक एक करके पहले इसको कर लेते हैं और तब इस बार हम सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। तो हम फास्ट तरीके से कर लेंगे हम जो भी है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारा जो भी एमिनिटीज है ऑल एमिनिटीज को हमने चेकआउट कर लिया। अब यहाँ देखेंगे तो जितना भी हमने सिलेक्ट किया था सब में ये चीज़ आ चुका है। अब हम लोग चले आए रूम पे, तो अब यहाँ पे आपको रूम का नाम देना होगा और उस रूम के नाम के साथ उसके जो भी डिस्क्रिप्शन है वो देना होगा। तो अभी हमें रूम का नाम एंट्री करना होगा और उसका डिस्क्रिप्शन और कितने रूम अवेलेबल है ये तमाम चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रूम का नाम यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख के रखे हैं, तो यहाँ जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। सिंगल बेडरूम है हमारा, तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया यानी पेस्ट कर दिया, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन लिख कर रखे हैं, तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन भी पुट कर दिया। तो ये इस प्रकार से हमारा रूम नेम और रूम का डिस्क्रिप्शन हो गया। नंबर ऑफ रूम कितने हमारे होटल में, तो उस तरह के 2 रूम हैं, तो 2 रूम हमने ले लिया।
अब यहाँ कह रहा है कि जो ब्रेकफास्ट है फ्री है, फ्री ब्रेकफास्ट एंड लंच, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, फ्री ब्रेकफास्ट नहीं है, तो एकोमोडेशन ओनली लिख दिए। रूम का टाइप क्या है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें डीलक्स है, स्टैंडर्ड है, लग्जरी है, मास्टर है, टेंट है, बीच है, वो लेदर सूट है। तो सिंपल स्टैंडर्ड एक रूम है, तो स्टैंडर्ड हमने लिखा। बेड का टाइप क्या है, तो एक फ्री में वो सिंगल बेड है, तो सिंगल बेड ही रखेंगे। अब यहाँ पे बता रहा है कि रूम का साइज क्या है, यानी कि उसकी स्क्वायर फिट क्या है, तो स्क्वायर फिट में हम लोग देंगे, यानी कि 100 मान कर चलते हैं कि उसका 150 स्क्वायर फिट है, ठीक है। व्यू क्या है, तो उसकी जो बालकनी है उससे आपका सिटी व्यू, यानी सिटी दिखता है, तो यहाँ पे देखते हैं कहीं सिटी व्यू है, हाँ है, तो यहाँ हमने चूज कर लिया। और स्मोकिंग अलाउ है, तो नहीं, नो ही रहने देंगे। एक्स्ट्रा बेड प्रोवाइड होता है, नहीं, एडल्ट एक ही वहाँ पे आएगा, मैक्सिमम एक, मैक्सिमम चिल्ड्रन एक, यानी चिल्ड्रेन आपके पास एक हो सकते हैं, और कुल मिला करके दो होगा। अब इसकी रेट की हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो रेट है वो है 1550 रुपये, और एक्स्ट्रा कोई तो है नहीं, ये भी आपका चिल्ड्रेन का कोई नहीं है। अब यहाँ पे अवेबिलिटी पूछ रहा है कि प्लीज सेलेक्ट द स्टार्ट एंड इन डेट्स ऑन विच योर प्रॉपर्टी कैन बी बुक बाय गेस्ट। तो एज इट इज अभी रहने देते हैं, एक महीने का लेकर चलता है, जैसे आज 29 तारीख है, तो 29 सितंबर से 29 अक्टूबर तक। अब ये है रूम एमिनिटीज, यानी रूम में आपके क्या क्या है। अब यस नो ये तमाम चीज़ें आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, यहाँ पे हेयर ड्रायर है, नहीं, हॉट एंड कोल्ड वाटर, यस, टॉयलेटरीज, यस। अब यहाँ पूछ रहा है किस तरह का है, तो जनरली जो होता है आपका शैम्पू हो गया, सॉप रहता है, कंघी रहता है, और ये बेसिक चीज़ें आपको वहाँ पे है। इसके बाद आते हैं टीवी, यस। अब टीवी में क्या है भाई, तो एलईडी टीवी है उसमें, फ्लैट स्क्रीन। इसके बाद एयर कंडीशन, यस। अब पूछ रहा है कि क्या है, तो रूम कंट्रोल है, आप अपने रूम में उतने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। मिनरल वाटर, यस है, और ये पेड है। इसके बाद केटली, नो, क्लोसेट, नो, मिनी बार, नो, टेलीफोन, नो, वर्क डेस्क, नो, सेफ, नो, हाँ सेफ है, अब ओ ने, नो नो, बाथरूम, यस। अब बाथरूम जो है वो प्राइवेट है, शेयर्ड नहीं है। अब आते हैं चेयर, तो उसमें चेयर नहीं है। तो इस प्रकार से ये एमिनिटीज हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये मैंडेटरी था, आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये रूम क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, लेकिन ये जो मैंडेटरी था उस एमिनिटीज के साथ ये सेव हो गया सिंगल रूम। अब हमको डबल बेडरूम के लिए भी करना है, तो चलिए इसके लिए हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं, ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। अब इसका हम लोग नाम रखे हैं स्वीट टू, ये डबल बेडरूम के लिए है, तो स्वीट रूम का हमने यहाँ पे नाम रखा। उसकी डिस्क्रिप्शन भी जस्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जस्ट हमने कर लिया कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट। अब ये भी जो रूम है ये दो है, और इसकी मील ऑप्शंस एकोमोडेशन वाली है। रूम का टाइप क्या है, तो ये थोड़ी सी, यानी कि जो स्टैंडर्ड रूम है उससे बड़ा है, तो यह लग्जरी कह सकते हैं। बेडरूम किंग बेड है। इसके बाद इसकी जो है वो 220 स्क्वायर फीट है। और व्यू क्या है, तो इसमें कोई व्यू नहीं है, स्मोकिंग नो है, तो यहाँ भी हम लोग एक्स्ट्रा बेड अलाउ नहीं करेंगे। तो इसके बाद जो एडल्ट है दो है, और मैक्सिमम चिल्ड्रेन हम लोग दो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ लिख रहा है कि मैक्सिमम चिल्ड्रेन वैल्यू शुड बी लेस देन मैक्सिमम गेस्ट, तो इससे कम होना चाहिए, तो इसके लिए आपको वन ही रखना पड़ेगा, ताकि नहीं तो
यदि मैक्सिमम गेस्ट हैं, दो चिल्ड्रेन आप अलाउ करते हैं, तो आपको जो ये है इसको बढ़ाना होगा, तब जा कर के आपका ये दो हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो एडल्ट और दो मैक्सिमम एडल्ट हो गए और दो मैक्सिमम चिल्ड्रेन हो गए और मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 3 का हो गया। अब इसकी जो प्राइस रेट है, यानी कि जो हम स्वीट रूम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो रेट है, उसको हमको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हर रूम का आपके अपने जो भी पहले से डिसाइड करके रखेंगे और उसी के हिसाब से जस्ट फिल करना होता है। तो मैं भी जस्ट उसको फिल करता हूँ। तो इसका रेट है 2290 और बाकी सब ऑप्शनल है, इसको छोड़ देते हैं, डेट ये भी छोड़ देते हैं। अब मैनेट्री में आ जाते हैं, तो सेम है। तो ये हमारा दूसरे कैटेगरी का रूम था और इसको हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया, यानी कि दूसरा रूम भी क्रिएट कर लिया। अब तीसरे तरह का रूम है, इसको भी हमको ऐड करना होगा। यस, तो इस प्रकार से यहाँ भी हमको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने इस होटल में तीन तरह के बेडरूम अवेलेबल है और तीनों तरह के बेडरूम को हमने क्रिएट कर लिया। अब जस्ट सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जितने भी फोटोज और वीडियो है उसको आपको जस्ट अपलोड कर लेना है। तो क्लिक किए और यहाँ से हमको अपने उस होटल के जो भी फोटो है हमारे पास उसको अपलोड कर लेते हैं। तो आप चाहे तो एक ही बार में बहुत सारा भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने होटल के जो फोटोग्राफ्स है उसको अपलोड कर लिया। अब सिंपल हमको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्या है कि टैग करना है, अप टू 2 टैग टू ईच फोटो एंड वीडियो। तो ये एक्चुअली में बताना है कि ये क्या है। इस प्रकार से हमने फोटो अपलोड कर लिया, उसके साथ ही हमने उसके टैग्स को भी अप्लाई कर लिया। सिंपल अब हमको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो ये बेड है, ये सिंगल रूम का हो गया, सेव बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ बोल रहा है 5 फोटो एंड वीडियो आज बीइंग रिव्यूड, इट विल टेक 24 आवर। कोई बात नहीं भाई, तुम चेक कर लो। अब जस्ट कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया। अब इसकी पॉलिसी है, अब यानी आपकी पॉलिसी क्या है, चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम। तो चेक इन हम लोग लेते हैं 15 से 18, तो जस्ट हमको यहाँ पे यानी 12:03:15 यानी 3 बजे से ले करके 12:06:18 तक है। अच्छा, ये पूछ रहा है कब से कब तक चेक इन और चेक आउट है, तो ये हम लोग ले लेते हैं 11 बजे। ठीक है जी, फ्री कैंसिलेशन अप टू 24 आवर, तो 48 घंटे तक आप कर सकते हैं कैंसिलेशन। तो ये अलाउ अनमैरिड कपल, नो अलाउ, ओनली मेल गेस्ट और अप्लाई ग्रुप विथ ओनली मेल गेस्ट और अलाउ आईडी प्रॉपर्टी, यस। अभी एक्सेप्ट आइडेंटिटी प्रूफ, तो हमको चाहिए आधार कार्ड, तो सिंपल आधार कार्ड आर आईडी ऑफ सेम सिटी एज द प्रॉपर्टी अलाउ, यस। हमारे शहर के भी होंगे तो उनको भी अलाउ है। अब इज स्मोकिंग अलाउ एवरीवेयर विद इन द परमिशन, नो। प्राइवेट पार्टीज और इवेंट अलाउ एट द प्रॉपर्टी, यस। कैन गेस्ट इन्वाइट टू आउटसाइड विजिटर इन द रूम ड्यूरिंग दियर स्टे, यस। इज योर प्रॉपर्टी एक्सेसिबल फॉर गेस्ट हु यूज व्हील चेयर, नो। अब पेट पॉलिसी है, तो भाई हम कोई पेट अलाउ नहीं करते हैं। डू यू हैव ए 24 आवर चेक इन, नो। डू यू प्रोवाइड बेड टू एक्स्ट्रा एडल्ट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी,
और ये मैट्रेस होगा, अभी फिलहाल इसको नो रखते हैं। कोट्स यस एंड इसको भी नो रखते हैं। अब एक कस्टम पॉलिसी हो गई, तो कस्टम पॉलिसी जो है यहाँ पे हम लोग को चुनना होगा। तो कस्टम पॉलिसी हालांकि अलाउ नहीं कर रहा यहाँ पे, पता नहीं क्यों। एक्स्ट्रा बेड पॉलिसी तो क्लिक कर रहे हैं, हो नहीं रहा। जैसे हम यहाँ पर डालते हैं 200, 350, 550, ये तो ले लिया। बट ये हो गया मेल और ये ले नहीं रहा है कस्टम पॉलिसी। चलिए सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं, तो पॉलिसी भी मेरा हो गया माई ओन प्रॉपर्टी। अब कह रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट और क्लिक टू अपलोड। अब ये जो है रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट है उसको ये मांग रहा है, तो यहाँ पे हम अपना जीएसटी अपलोड कर देते हैं सिंपल, ठीक है। और देन सेव बटन पर क्लिक कर दिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो कि है इंटर बैंक पैन एंड जीएसटी डिटेल। यहाँ डिटेल आपको इंट्री करना है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल जो लीगल है यानी कि आपके जीएसटी बैंक डिटेल वगैरह डालने के बाद सिंपल हमने यहाँ पे सेव बटन पर कर दिया क्लिक, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारा जो है वो सेव हो चुका है। अब फाइनल प्रोसेस के लिए जस्ट इसको टिक करना है और यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग योर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विथ अस। अब इसके बाद दो तीन दिन का ये वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, जो भी इसको कमी दिखेगा फिर वहाँ से आपको बता दूं कि कॉल भी आता है कि बताता है कि आपको ये कमी रही है इसको पूरा कर दीजिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा और आप भी अपने होटल या अपने क्लाइंट के होटल को लिस्ट करने में सक्सेसफुली लिस्ट कर दिए होंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, इतना करने के बाद आपने देखा कि ये जस्ट रिव्यू में चला जाता है और ये जो है आपके अब तो कनेक्ट कहा जा रहा है, ये कनेक्ट प्लेटफॉर्म जो है आपके होटल को वेरीफाई करता है, वो देखता है कि हाँ जी आपकी होटल जो है इस तरह की है। तो उसके बाद वेरीफाई होने के बाद इसके लिए ये देखे आप जैसे कि 24 से 48 घंटा, कभी कभी 72 घंटा भी समय ले लेता है। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको एक मेल के थ्रू सूचित भी कर देगा कि हाँ जी आपकी वेरीफाई सक्सेसफुल हो गई, अब आपके जो गेस्ट है वहां से बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप ही तमाम प्रोसेस को फॉलो करते हुए बुक की जो प्रोसेस है सक्सेसफुली कर लेंगे। यदि आपके पास भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि ये बेजाबते किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो ये लोग कॉल भी करते हैं, उस चीज को आप उनसे बता सकते हैं, समझ सकते हैं ऑन कॉल और उसको आप रिसोल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।